आप बात समझ नहीं रही हैं। डॉक्टर्स ने कहा है किसी भी तरह से सुप्रिया को खुश रखूं। अब जब से प्रांजल यहाँ पर आई है टेंशन बढ़ती जा रही है। और मिला प्रकाश ठीक कह रहे हैं, हमें बेटी के साथ साथ में बहू का भी ध्यान रखना। मैं क्या करूं? प्रांजल को एक होटल में भेज दूं क्या? नहीं मामा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर आखिर ये प्रांजल का ही तो घर है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर मैं सुप्रिया को लेकर कहीं बाहर चला जाऊं तो कैसा रहेगा। नहीं प्रकाश, मैं अपने घर से दूर कहीं नहीं जाऊंगी। पर क्यों बेटा? क्योंकि पापा, मैं जानती हूँ जब कोई लड़की अपने ससुराल से ज्यादा वक्त दूर रहती है तो उसके ससुराल वालों के प्यार में धीरे धीरे कमी आने लगती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ या किसी और लड़की के साथ कभी ऐसा हो। आइए ना प्रकाश। मुझसे कुछ कहना चाहते हैं सुप्रिया? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसी हालत में तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन? मुझे किस बात का टेंशन? देखो झूठ बोल रही है, अच्छी तरह से पहचानता हूँ तुम। ऊपर से तुम मुस्कुराती रहती हो लेकिन तुम्हारे अंदर इतने सारे सवाल उठते हैं, क्या मैं नहीं पहचानता? साफ साफ बताओ, प्रांजल को लेकर तुम टेंशन में हो कि नहीं, कि वो घर छोड़कर जा रही है? प्रकाश, प्रांजल हमारे परिवार का एक हिस्सा है, इसलिए थोड़ी बहुत चिंता तो होती ही है। But believe me, I am not tense. सच? हाँ प्रकाश, सच। वैसे भी सुमन के होते हुए मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। चलो फिर ऐसा करते हैं कि प्रांजल की जो सारी चिंता है हम सुमन पर छोड़ते हैं, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे। ओके बॉस। ऐसे नहीं चलेगा, वादा करना हो। ठीक है बाबा, वादा करती हूँ। वो जैसे तीन बंधन होते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो वाले। आप चाहते हैं मैं वैसे ही बन जाऊँ, है ना? हाँ हाँ, वरना मैं चौथा बंदर बन जाऊँ। चौथा बंदर? वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि वो भी बुरा सुनता नहीं, बुरा कहता नहीं, बुरा देखता नहीं, लेकिन वो और क्या, वो अपनी बीवी की नजरों में बुरा बन जाता है क्योंकि बीवी को नसीहत देता रहता है। इसलिए आप मेरे लिए क्या है ये मेरे दिल से पूछिए। अच्छा, अपने दिल से पूछ के बता दीजिए कि हम आपके लिए क्या। थोड़ी देर रुक जाओ बॉबी, पहले सबको आने दो। नहीं मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। बॉबी, राधिका, सुमन और लक्ष्मी कहाँ हैं? वो दोनों बाहर गई हुई हैं। सुरेंद्र, सुरेन भैया कमरे में है, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। अमित, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठहरो, हम सब में बड़ा भाई कौन है? भैया आप तो सुरेन को बुलाने मैं जाऊंगा।
सब समझ गया हूँ सुरेंद्र भैया की बात। ये ना हम सबको उपवास कराने के मूड में है आज। उपवास करेंगे तो हम चारों करेंगे। भाई ही ना, अगर तू नहीं खाएगा तो हम में से कोई खाना नहीं खाएगा। हाँ हाँ नहीं, ये सुप्रिया मेरी बेटी के बारे में क्या उल्टा सीधा बोलती रहती है। हाँ आप जाकर उससे कह दीजिएगा कि अगर उसने मेरी बेटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उर्मिला ये बातें तुम सुप्रिया से खुद क्यों नहीं कहती। हाँ हाँ कह दूंगी, मैं सुप्रिया से डरती हूँ क्या? कहाँ है वो? गार्डन में ना, ऐसी है। अच्छा है कभी कभी ताजी हवा खा लेनी चाहिए। आप भी ना। सुप्रिया मम्मी जी बैठिए ना। मैं यहाँ पे बैठे नहीं आई हूँ, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। क्या बात है दीदी, बोलिए ना। देखो प्रांजल अपने घर से यहाँ बहुत परेशान है, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग उससे कुछ भी करो, समझी? मम्मी जी कोई उससे कुछ कहे या ना कहे लेकिन मैं जरूर कहूंगी, और क्यों ना कहूँ, मैं प्रांजल की भाभी हूँ, कोई दुश्मन नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि वो यहाँ कभी कभी आकर रहे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि इससे हमारा कोई खर्चा होगा या हमें तकलीफ होगी। मम्मी जी आप तो जानती हैं कि मेरी जिंदगी अब है ही कितने दिन की, और ये सारी जायदाद मैं अपने साथ बांध कर थोड़ी ले जा रही हूँ। तो फिर क्या बात है बेटी? बात ये है मामा जी, पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट बंधन होता है, छोटे मोटे झगड़ों से ये बंधन टूट नहीं जाता। खुद मम्मी जी और पापा जी के कितने बार झगड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी जी घर छोड़कर चली जाए। सुप्रिया तुम प्रांजल की बात करो। प्रांजल की ही क्यों मम्मी जी, मैं सारी औरतों की बात कर रही हूँ, और आप तो जानती हैं मम्मी जी औरत चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो अपने पति के बिना वो अधूरी ही रहती है, और परिवार का सुख तो खुश नसीबों को मिलता है। फिर मम्मी जी हम ये बात प्रांजल के लिए क्यों ना सोचें। हाँ दीदी सुप्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ मम्मी जी मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं जो भी कह रही हूँ वो प्रांजल के भले के लिए ही कह रही हूँ। हो सकता है मेरी ये बात आज प्रांजल को समझ में ना आए, लेकिन जब भी वो मेरी ये बात समझ जाएगी वो मुझे जरूर याद करेगी। मम्मा जी ये बात तो आप ही प्रांजल को अच्छी तरह समझा सकती हैं। हाँ मम्मी जी हम सबकी ओर से आप ये बात प्रांजल को समझाएं। वैसे ही इतने ड्रामे चलते रहते हैं, मैंने सोचा कहीं तुम्हारे यहाँ के रहने से कहीं वहाँ कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये बात तो सोचने लायक है मामा, लेकिन आप एक बात बताइए सुप्रिया ने आपसे और क्या क्या कहा है? सुप्रिया? मामा आप क्या मुझे बेवकूफ समझती हैं? मामा ये जो भाषा आप बोल रही है ना ये आपकी भाषा नहीं है बल्कि ये तो सुप्रिया की भाषा है। अरे उसकी तो आदत है मीठी मीठी बातें करने की और आप उसकी बातों में आ गई। नहीं प्रांजु ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है ममा, और आप
मुझे छुपाने की कोशिश मत करिए। मैं क्या आपको जानती नहीं हूँ? और वैसे भी मामा, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है हमेशा सोच समझ के किया है। और मामा, मेरा पति तो मेरी मुट्ठी में है, मुझे दुनिया जहां रिश्तेदारों की फिक्र करने की क्या जरूरत है। अरे इन सब की फिक्र तो आपको और आपकी बहू को करनी चाहिए। एनीवे, इन सब बातों को छोड़िए और बताइए ये कपड़े कहाँ रखूँ मैं। ला, मैं रख देती। भाभी माँ की आखिरी इच्छा यही थी कि इस घर का कोई भी मेंबर कभी इस घर को छोड़कर नहीं जाए, और कभी भी किसी मजबूरी के तहत किसी को जाना भी पड़े वो घर के बाकी लोगों की सहमति और इजाजत लेकर जाए। और आप लोग क्या निकालोगे मुझे इस घर से? मैं खुद ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ, जा रही हूँ मैं। और कभी भी किसी मजबूरी के तहत किसी को जाना भी पड़े घर के बाकी लोगों की सहमति और इजाजत लेकर जाए। कोई खास बात है क्या? खास बात है, इसलिए तो आपको यहाँ लेकर आई हूँ ना। अब सुनिए, सोमानी विला से तो मेरा पीछा छूट गया। अच्छा हुआ। अच्छा तो तब होगा ना जब मेरा खुद का घर बसेगा। ले, तो? तो क्या मामा जी, इसमें सिर्फ आप मेरी मदद कर सकते हैं ना। अरे बिटिया जी, कोई कहने की बात है क्या है? लल्ली, मेरा तो तेरे और तेरी मम्मी के सिवाय कोई और है ही नहीं दुनिया में। मैं तो बस तुम दोनों की सेवा के लिए बना हूँ। हाँ, बोल बोल। सुन मामा, अच्छा सुनिए, काम यह है कि आप आपको मेरे लिए एक मोबाइल लेकर आऊं, और उस मोबाइल से मैं ऐसी गड़बड़ करूंगी कि सब लोग मुझे घर से निकाल देंगे हमेशा के लिए। क्या बात है मामा जी, बहुत पसीने आ रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है लल्ली, मैं तो भरा चंगो खड़ा हूँ। लेकिन आपके चेहरे से ऐसा नहीं लगता। चेहरा? अरे लल्ली, चेहरा तो मेरे बांके बिहारी लाल ने मजे ऐसा ही बनाया हुआ है। तू तो जाने मामा कितने वक्त से ना देख रही है। वैसे मामा जी, आपने एक बात बहुत अच्छी की, प्रांजल आपसे छोटी है फिर भी आपने उससे माफी मांगी। माफी? हाँ, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। जब इंसान से गलती हो जाए तो उसे माफी मांगे लेनी चाहिए, है ना? हाँ, नहीं, शर्माने की क्या बात? शर्म तो गलती करने में आनी चाहिए मामा जी। वैसे मामा जी, इंसान गलतियाँ करने से भी बच सकता है और माफी मांगने से भी। जब वो गलती ही नहीं करेगा तो माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होगा, है ना? भाई वाह, बात तो तेने बड़ी अच्छी करी है, लेकिन बिटिया जी बात तूने करी क्यों है ना? मतलब मेरो कहने को मतलब जी है कि गलती माफी भाई जी दोनों अध्याय तो समाप्त है गए बिटिया। मामा जी, अध्याय तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती ना कि बड़े छोटों से माफी मांगे, लगती है क्या? ना, ना, तो मामा जी ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो ना, तो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है ना? अरे बहन, कौन से दिन दिखा रहे हो प्रभु आप मनोहर? अब बताओ, इनसे सलाह लेनी पड़ेगी। तुम कुछ कह रही थी सुमन? जी बड़े पापा, सभी जानते हैं कि
प्रांजल इस घर में रहने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्यों ना उसे अलग रहने की इजाजत दीजिए। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? अगर ऐसा हुआ तो भाभी माँ की आखिरी इच्छा का क्या होगा? ये बात तो ठीक नहीं है। ये तुमने बिना सोचे समझे कैसे कह दिया? बेटे, घर की समस्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए भाभी माँ की आखिरी इच्छा का सम्मान करना सबसे। इसीलिए तो कह रही हूँ मैं पापा, अगर प्रांजल सबकी मर्जी से इस घर को छोड़कर चली जाएगी तो उसमें बड़ी माँ की आखिरी इच्छा का अपमान नहीं होगा, और अगर वो सबकी मर्जी के खिलाफ जाएगी तो इसमें बड़ी माँ की आखिरी इच्छा का ही नहीं होगा। सुमन की बात मैं जानना चाहती हूँ। गड़बड़ सिर्फ इतनी है कि माँ की अंतिम इच्छा थी कि घर के सारे लोग एक ही छत के नीचे। आप क्या कहते हैं जी? बोलो राम। सुमन भाभी माँ की आखिरी इच्छा की बात कर रही है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रांजल अब इस घर में रुकने वाली नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि पापा, सुमन भाभी बिल्कुल ठीक है, कम से कम उनकी बात को जरा सोच कर तो देखिए। ठीक है पापा, अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा है, आप प्लीज इसे मान लीजिए। ताऊ जी, आई थिंक वी आर मिस राइट। ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो कुछ नहीं कहेगा। मैं कहूंगी मम्मी जी। हाँ।